हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है अपने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में जहां हम लोग बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेपर्स हैं हिंदू एक्सप्रेस इंडियन एक्सप्रेस इन सारी चीज़ों के सारी न्यूज़ के ऊपर हमारी नजर होती है जो आपके यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है उन सभी टॉपिक्स को या हम लोग अभी कवर करने की कोशिश करते हैं खास करके ये जो प्रोग्राम है आप जानते हैं कि उन सभी बच्चों के लिए जो कि न्यू कमर्स हैं जो बिगनर्स हैं जिन्हें भी पता नहीं है कि कैसे हमें अपने करंट अफेयर्स को करना चाहिए उन सभी के लिए एक सॉलिड सा ये प्रोग्राम है जिसको आप लोगों को कभी मिस नहीं करना चाहिए So, आइए फटाफट हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं इसके से पहले जब तक हम लोग क्लास को शुरू करें आप लोग क्लास को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए तब तक मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बता दूं अपने क्लासेस के बारे में ठीक so, है ना सो इट्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मीट छोटी सी जानकारी है जो मेरे बारे में मोर देन टेन ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आई वॉज इन डॉक टीचर पैनल ऑफ डेल यूनिवर्सिटी थाउजंड्राम ग्रुप है जो कि ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है आप इससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं पॉलिटी ग्रु के चैनल से यू कैन ज्वाइन मी पॉलिटी ग्रु का चैनल जहां पर आपको मेरी क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन और पी वगैरह भी आपको मिल जाया करते हैं अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक है हमारे पास पवन डॉट कुमार डैश नाइन जीरो जीरो थ्री ठीक है आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर और आप जानते हैं कि कॉम्बैट का प्रोग्राम भी हो रहा है कॉम्बैट का प्रोग्राम भी हो रहा है हमारे साथ ठीक है कॉम्बैट के प्रोग्राम में अन अकेडमी के ऐप पर आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है यू पी एस सी प्री से पहले

साथ ही साथ ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी से जो आइकॉनिक की प्राइस है वो हाइक होने वाली है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं राइट सर सर उसके अलावा देखेंगे कि के आप पे जब आप जाएंगे तो के आप, पे आप देखेंगे क्या दो हजार उन्नीस के यूपीएससी टॉपर हैं श्री प्रदीप सिंह जी उनका एक्सक्लूसिव इंट्रैक्शन हमारे साथ आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा अन अकेडमी के ऐप पे वहां जाएंगे तो इस सेशन को देखने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा भाई टाइटल किस नाम से है तो बिगनर्स टू मास्टर ट्रैटेजी ढूंढेंगे बिगनस टू मास्टर्स जो आपको पवन टेन का कोड यूज करना होगा यूज दिस प्रोमो कोड ठीक है ना ये सारी चीजें अनलॉकड होंगी लॉक होंगी उसको तो अनलॉक करने के लिए आपको पवन टेन का कोड आपको यूज करना पड़ेगा ठीक है पवन टेन का कोड यूज करें एंड यू विल गेट ऑल द फ्री एक्सेस ऑफ द कंटेंट्स जो भी मेरी क्लासेस हैं एमसीक्यू है, है टेस्टरीज है उन सारी चीजों को भी आप क्या करेंगे आप देख सकते हैं ठीक है ठीके? उन सभी को आप देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो कोड आपको अप्लाई करना है दैट इज कॉल्ड पवन टेन का कोड ही आपको अप्लाई करना है ठीक है सर सर मैम इसके अलावा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम बीट का प्रोग्राम ये सारी चीजें पर चल रही हैं। चलिए सर, ये आपके पास है प्लान वन ईयर प्लान टू ईयर प्लान एंड थ्री ईयर प्लान ठीक है ना वन ईयर का प्लान फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का है जो आप यूज करेंगे पवन का कोड इट विल गेट टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट टेन परसेंट का डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट है जो आपको मिलेगा तो आपका जो कोर्स होगा फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी का हो जाएगा दो साल का फिफ्टी टू थाउजेंड का है ठीक है नाटी टू थाउजेंड का है तो इसको भी आप अगर ले, लेते हैं टू थाउजेंड का तो ये पवन टन का कोड अप्लाई करेंगे तो आपको टेन परसेंट डिस्काउंटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड का पड़ेगा एंड जो थ्री ईयर्स का कोर्स है दैट इज ऑफ नाइन्टी थाउजेंड इसको भी पवन टेन का कोड अप्लाई करेंगे तो एटी वन थाउजेंड का मिलेगा सो यू हैव टू यूज दिस कोड पवन टेन ठीक है ना क्योंकि आप देखेंगे ये बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है और इसमें भी अगर आप देखें इसको पवन टेन का कोड अप्लाई करेंगे तो मैक्सिम डिस्काउंट के बाद ये कोर्स फ्री आपके पास इतनी हो जाती है आज ये अपने न्यूज कॉल देखना शुरू करें कि क्या क्या न्यूज है अपने पास आज का इस न्यूज को हम लोग देखना शुरू करते हैं ठीक है आ जाइए सभी लोग हेलो एवरीवन तो चले आ जाइए सभी लोग कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम वर्ल्ड कोविडीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम सो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी जो कल है कल टुम सैटरडे को सैटरडे को हम लोग क्या करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा जय एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं किसको लेकर के तो कोविड नाइन्टीन को लेकर के आपको ये मालूम होगा कि हमारे पास दो अभी जो वैक्सीन है उसको अलाउ किया गया है इसका अप्रूवल मिला हुआ है और इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे मास्क मोबिल जो है इम्यूनाइजेशन करने वाले हैं और इसमें ये मास्क मोबिलाइजेशन जो इम्यूनाइजेशन जो होने वाला है यानी कि जो टीकाकरण होने वाला है कोविड नाइन्टीन को लेकर के वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी होती है वो तैयारियां कर ली गई हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से न्यूज में ये बातें आ रही थी कोविड नाइन्टीन के बाद जो भी प्रायोरिटी सेक्टर में जो लोग हैं प्रायोरिटी प्रायोरिटी का मतलब क्या है जो कोरोना वॉरियर्स है सबसे पहले उनको क्या किया जाएगा वैक्सीनेट किया जाएगा दूसरा इसमें यह भी अप्रोच है कि जो फिफ्टी प्लस एज के जो जो भी व्यक्ति होंगे पचास साल से ज्यादा के लोग होंगे उनको भी वैक्सीनेशन किया जाएगा लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो भी आपके पास कोरोना वॉरियर्स हैं यानी कि जिनको प्रायोरिटी में पहले वैक्सीनेशन करना है जैसे कि डॉक्टर्स हो गए पैरामेडिकल स्टाफ्स हो गए पुलिस वाले हो गए उसके बाद अगर आपके पास जो स्टॉक बचता है तो आप फिफ्टी प्लस जो भी आ, उम्र के ज्यादा जो लोग होंगे उन सबों को भी वैक्सीनेट किया जाएगा सो दिस इज द आइडिया ठीक है और ये इतने बृहद लेवल पे किया जा रहा है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अभी तक का टिल डेट का वो आपका क्या होगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होने वाला है राइट सर मैम्स सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू सरसन गाइड राइट चलिए आ जाइए नेक्स्ट आ जाइए कोविड कोविडशील्ड एंड कोविड वैक्सीन ठीक है इट विल बी पैन इंडिया रोल आउट ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीनेशन ड्राइव ठीक है सो so, पूरे अखिल भारतीय स्तर पे होगा दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी 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 ग्रुप्स ग्रुप्स का मतलब हमने आपको बता रखा था कि प्रायोरिटी ग्रुप्स का मतलब क्या है कि जो भी जो कोरोना वॉरियर्स थे इनफैक्ट जिसको हम लोग जानते थे पॉपुलरली कोरोना वॉरियर्स के नाम से जिन लोगों ने अपना बहुत अमूल्य समय दिया है और इनफैक्ट अपना जो है सो क्या कहते हैं प्रीसियस टाइम दिया है किस चीज के लिए कोरोना को फाइट करने में चाहे डॉक्टर्स हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो या जो पुलिस वाले लोग हैं कोई भी हो तो इन सबों को सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा इनको दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी ग्रुप्स टू बी वैक्सीनेटेड एंड हेल्थ 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 केयर 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 वर्कर्स 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 एंड ठीक है ना बोथ इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन दोनों जगह पे यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी है उनको भी और जो प्राइवेट सेक्टर में इंक्लूडिंग भी इंक्लूडिंग आईसीडीएस वर्कर्स इंक्लूडिंग आईसीडीएस वर्कर्स विल रिसीव द वैक्सीनेशन ड्यूरिंग दिस फेज ठीक है तो एक तो हो गया आपके पास जो प्रायोरिटी ग्रुप हो गया देन आपके पास हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए और आईसीडीएस के जो स्टाफ हो गए

कोविन पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको जो है सो टाइम एंड शेड्यूल्स आपको बताया जाएगा कि कब आपका वैक्सीनेशन होना है अकॉर्डिंगली आप किस जगह पे होना है यानी कि शेड्यूल भी मतलब टाइम भी एंड देन आपको प्लेस भी आपको बताया जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कहां होना है फिर आप उस जगह जाएंगे और फिर आपका वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा आप वैक्सीनेट होंगे ठीक है सो कोविन आपका जो है सो so इसके क्या करना होगा इसके बिना जो कोविन प्लेटफॉर्म है इस पर आए बिना इसको बिना रजिस्टर किए बिना आपका जो है सो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम नहीं होगा जिस तरीके से आपने देखा था था कि कोविड जब जब हुआ शुरू जब हो रहा था, तो आरोग्य सेतु आपके पास होना जरूरी था एक तरीके से कंपलसरी तो नहीं किया गया लेकिन आपके पास आरोग्य सेतु होना चाहिए था ताकि आपके पास जो आसपास जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं उन सभी की जानकारी आपको मिलते रहे उसी तरीके से सरकारी ये आपका एप है दैट इज कॉल्ड कोविन इसी कोविन के ऊपर में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा इसी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप क्या करेंगे आप अप्रोच कर सकते हैं किसको जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर मैं क्योंकि वहां पर मैं आपको टाइम बताया जाएगा प्लेस बताया जाएगा उस निर्धारित समय पर और स्थान पे आपको समय पहुंचना पड़ेगा और वहां जाकर फिर आपको वैक्सीनेट किया जाएगा ठीक है सो दैट इज वॉल कोविन कोविन प्लेटफॉर्म जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है सर ठीक है डेवलप्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विच विल फैसिलिटेट रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑफ द वैक्सीन स्टॉक्स स्टोरेज टेम्परेचर एंड इंडिविजुलाइज ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ कोविड नाइनटीन वैक्सीन राइट सर्स एंड मैम चलिए आ जाइए So, ये आपके पास ये आपका तरीका है ठीक है चले आ जाए सर एंड वैम्स वेरी गुड सर एंड वैम्स वेरी गुड चलिए सर हो गया सर का चलिए सर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग देखते हैं क्ट है दिस डिजिटल प्लेटफॉर्मिस्ट प्रोग्राम मैनेजर दोन जिसको की दिया गया है कंट्री टू ऑल स्टेट्स एंडिव सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एवियशन सिविल एवियशन सिविल एवियेन में आपने देखा किया कि जो भी आपके पास ये जो दो वैक्सीन है इन दोनों कोविशील्ड को एंड कोवैक्सिन को

इंटरनल ट्रेड अन इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा किया जाएगा ठीक है ना प्रारंभ है स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिटे का समिट होगा इंडस्ट्री के द्वारा देख लिया प्रारंभ हो गया इट इज ऑर्गेनाइज एज अ फॉलो अपनाउंसमेंट मेड बाई प्राइम मिनिस्टर है

स्पीकर्स इसमें ट्वेंटी फाइव कंट्रीज का पार्टिसिपेशन होने वाला है और दो सौ से अधिक ग्लोबल इंडिया के बारे में बात करेंगे, बात करेंगे. ठीक so कि कि किस तरीके से जो स्टार्टअप है उसको बूस्ट किया जाए किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो किया जाए ये अभी तक का लार्जेस्ट स्टार्टअप होगा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाई दवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशियटिव सो आप स्टार्टअप जानते हैं कि आप जानते हैं कि इंडिया में अभी एक मुहिम चल रहा है कि आत्मनिर्भर भारत यानी कि सेल्फ लैंड इंडिया को करना है इसके लिए स्टार्टअप इस को भी इंकरेज करना है आपने देखा है कि किस तरीके से सरकार ने डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से कार्यक्रम के माध्यम से यह करने की कोशिश करी है कि आपके अंदर स्किल का डेवलपमेंट किया जाए स्किल डेवलपमेंट के बाद आपको इंकरेज किया जाए कि आप ऑनप्रेन्योर बने इसके लिए आप ऑनरप्रन्योर का मतलब कि आप खुद से अपने इंडस्ट्री वगैरह जो कुछ भी आपको लगाना है वो करें इसके लिए आपको जो है बैंकिंग सपोर्ट भी दिया जा रहा है सो दिस ऑफ थिंग जो यहाँ आकर आप डिस्कस करेंगे ठीक है ना और आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव मोर देन ट्वेंटी फाइव कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहां पर पार्टिसिपेट करें, इसका मतलब क्या है कि जिस भी कंट्री में जो उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको आप यहां आकर डिस्कस करेंगे और इसके डिस्कशन के बाद जो कुछ न्यू आइडियाज आप जानते हैं ना कि कुछ भी नया करने के लिए आपको हमेशा क्या करना होता है डिस्कस करना होता है कुछ नए आइडियाज को आपको लेकर के आना होता है ठीक है तो आप यहाँ क्या करें इन सभी को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद जो भी बेहतर आपके लिए हो सकता है वो बेहतर काम का काम करने का काम करेंगे ठीक है सो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का ये पांचवा वर्ष है जिसको कि सोलह जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ठीक है ना

टॉप पॉलिसी मेकर्स जितने भी टॉप पॉलिसी हैं वो हैं इंडस्ट्री एकेडमिया इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब इन एडिशन टू द डेलिब्रेटिंग ऑन गुड प्रैक्टिस फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द इको सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड बेस्ट ऑफ द इको सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द समिट आर डिजाइन टू शो केस द स्प्रेड एंड डेप्थ ऑफ इंटरप्रन्य ठीक है ना इनोवेशन के आधार पर यह किया जाएगा ठीक है सो इको सिस्टम सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी आपसे देखेंगे कि इकोनॉमी में हो या फिर आपके जोग्राफी में हो आप देखेंगे कि इकोनॉमिक जोग्रफी भी है और इकोनॉमी भी है तो आप देखेंगे वहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि कैसे इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सकता है कैसे क्या किया जाना चाहिए जैसे मैंने आपको एक टॉपिक लिया था कोविड नाइन्टीन का मैनेजमेंट को लेकर के तो वहां भी आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्री का सेक्शन है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि, कि किस तरीके से हमें स्टार्टअप को इंडिया को पुश करना चाहिए हमें फोकस करना चाहिए ताकि जो इंडिया हो सके वो आत्मनिर्भर हो सके भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो सके Uh, जो सेल्फ रिलायंट हो सके तो उसके लिए ये जो पॉलिसीज वगैरह है वो आपके बेहद काम आने वाली है इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए सर सर मैम राइट चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं क्या है सर हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वॉट इज द ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस अटेंशन इस इसमें फोकस अटेंशन करना है ऑन ग्लोबल कैपिटल फॉर स्टार्टअप इन इंडिया मोबिलाइज डोमेस्टिक कैपिटल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एसेसिंग इंटरनेशनल मार्केट टू आवर स्टार्टअप्स एंड इवॉल्व एनेबलिंग पॉलिसी प्रोविज ठीक है तो इसका जो फोकस है ना वो क्या करना है कि ग्लोबल कैपिटल स्टार्टअप के बारे में इसके ऊपर बात करना है ग्लोबल कैपिटल स्टार्टअप इन इंडिया दूसरा क्या है कि जितना भी डोमेस्टिक कैपिटल है उसको भी आपको मोबिलाइज करना है अवसर प्रदान करना है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसिंग इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से जो स्टार्टअप यहाँ शुरू किया जा रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस किया जा सकता है सो so ये सारी चीजें यहाँ पर फोकस की जाएंगी इसके माध्यम से कि ग्लोबल कैपिटल फॉर स्टार्टअप के लिए कैसे इंडिया में लाया जाए दूसरा क्या है कि मोबिलाइज करना है जो भी आपके अंदर जो डोमेस्टिक कैपिटल है पूंजी है उसको एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स टू आवर स्टार्टअप्स एंड एवोल्व इवॉल्व इनेबलिंग पॉलिसी और प्रोविजन और इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा ताकि जो भी कोई नया स्टार्टअप स्टार्टअप का मतलब सिंपल से कुछ भी नहीं है बस यही समझना है कि नए उद्योग धंधों को लगाना है उनको पुष्ट करना है कि कोई भी इंडिविजुअल क्या करता है कि अगर आप चाहता है कि इंडस्ट्री को सेटअप करना तो उसके लिए क्या क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है कि जानते हैं कि इंडस्ट्री के लिए यानी कोई भी उद्योग कल कारखाना आप खोल आ, लगाते हैं तो आपने बेसिक इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि उसके लिए कि पूंजी बहुत बड़ी चीज है पूंजी पूंजी के बिना आप नहीं कर सकते विदाउट कैपिटल यू कैनॉट मूव है तो आपने देखा कि यहाँ पर जो इसका फोकस है वो किस तरीके से ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करना है जो डोमेस्टिक जो हमारे पास कैपिटल है घरेलू पूंजी है उसको कैसे मोबिलाइज करना है प्लस आपका जो स्टार्टअप है उसके लिए कैसे इंटरनेशनल मार्केट से उसे लिंक करना है और इन सभी के लिए सरकार क्या काम कर, कर सकती है क्या पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकती है क्या स्कीम लेके आ सकती है ताकि इस प्रोग्राम को इस स्टार्टअप वाली जो मुहिम है उसको पुश किया जा सके इसे आगे बढ़ाया जा सके और यही चीजें जैसे आप ये काम करेंगे वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ेंगे ये सारा का सारा ये यही जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है जो आत्मनिर्भर भारत का मुहिम चल रहा है उसी का ये एक हिस्सा है राइट सर सर मैम्स चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाए सर हम लोग Next Ajay. The virtual summit will bring together, bring together speakers from around the world and India, facilitate discussions on technologies, innovations, and robust policies and initiatives, enable government and international organizations to share their views, and set on fire the minds of young Indian entrepreneurs, driving them to solve the problems and channelize that matter not just for india but also for the entire world taken up okay sirs and ma'ams राइट सर ठीक है चलिए नेक्स्ट आ जाइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं तीसरा ये भी एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इसको भी देख लेते हैं यूएस बैंस कॉटन एंड टोमेटो यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स कॉटन है एंड टोमेटो है प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना जिंगजियांग प्रोविंस जिंगजियांग रीजन से जो है ये क्या है चाइना यूएस बैंस कॉटन एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स फ्रॉम जिंगजियांग चाइना जिंगजियांग जो है रीजन से ठीक है आ जाइए सर अभी देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या कर दिया है कि एंट्री ऑफ आप जानते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा मुद्दा पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं कि पूरा मुद्दा क्या है कि है कि दरअसल क्या है आप ये जानते होंगे कि चाइना में उग्यूर जो जो मुस्लिम्स हैं उग्यूर जो माइनॉरिटी इनफैक्ट हैं जो जिंगजियांग प्रोविंस में लगते हैं और उग्यूर बताया मंगोलिया से यहाँ पे आए हुए हैं ठीक है इनको बहुत ज्यादा दर्जा भी दिया नहीं जाता है ठीक तो अभी यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने क्या किया है कि अभी चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर में क्या कर दिया है उसने जो है सो अभी रोक लगा दी है रोक लगाने के किसके लिए किया गया जिंजिया कॉटन को

उग्यूर वेंट इन टू दर्टिंग डैम ठीक है ना सो so, yeah, uh, uh, ये इट इज द कॉज दुनाइटेड स्टेट एंट्री ऑफ कॉटन एंड टोमेटो प्रोडक्ट फ्रॉम जिंजिया रीजन एवंगेशन क्योंकि यह लगाया जा रहा है कि डिटेनिंग के रूप में और रिजनल लेबर के रूप में उग्यूर्स को रखा गया है जो कि वेंट इन टू दार्केट मेकिंग मा डैम ठीक है ना यानी कि जो लोग यहां पर कॉटन का और टोमेटो का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें जो उगुर लोग लगे हुए उन्हें डिटेनिंग के रूप में रखा गया है रीजन लेबर के रूप में रखा गया है चाइना के द्वारा जिंगजियांग प्रोविंस में तो इसकी वजह से मानवाधिकार के उल्लंघन की, की वजह से इसको क्या किया जा रहा है इसको नहीं किया जा रहा so, है ठीक है चलिए आ जाइए सो अकॉर्डिंग टू यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर जो प्रोटेक्शन है सीपीबी अकॉर्डिंग टू द यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन यूपीवी इट विल डिटेन कॉटन एंड टोमेटो प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन चाइना जिंगजियांग उग योर ऑटोनोमस रीजन ट ऑल यू एस पोर्ट्स ऑफ एंट्री एट ऑल यू एस पोर्ट्स जितना भी US में है जितनी भी जगह है उग्यूर रीजन से, जो कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा है, का, जो है इस ऑर्गे पूरी तरीके से बैन करके रखा और हम पर जो है दिस बैन ऑल्सो नोन एज थ होल्ड रिलीज ऑर्डर विथ होल्ड रिल्डर जो आपका बैन किया गया इसको हम लोग ऑफिशियली अमेरिका भी जानते हैं किस नाम से विध होल्ड रिलीज ऑर्डर के नाम से जानते हैं डब्ल्यू आर ओ के नाम से जानते हैं वॉज इम्पोज फॉलोइंग द इमरजेंस ऑफ रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट द प्रोडक्ट वेर मैनुफैक्चर्ड यूजिंग फोर्स लेबर फ्रॉम डिटेन डिटेन से ठीक है ना सो दैन ऑल्सो नोन एज विथ होल्ड रिलीज ऑर्डर

ट जो आई बिडन द प्रेसिडेंसी यानी कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं राइट सरसो आपके पास नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था so, ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं राइट सर्स एंड आ जाए ओके सर्स एंड मैम्स हेलो एवरी वन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ओके सर चलिए गुड ग्रेट नेक्स्ट आइए परमिट टू हार्ट वालेबल हाउ बारा बस्टर्ड ठीक है ना हाउ बारा बर्स्टर्ड अब इसकी कहानी समझिए क्या है <coughs> ये बस्टर्ड आप देख रहे हैं ना पाकिस्तान में भी ये मिलता है पाकिस्तान में वर्ड और जो सऊदी अरेबिया है सऊदी अरेबिया उनके जो रॉयल जो उनके आ, जो मतलब किंग्स हैं जो प्रिंसेस हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो पाकिस्तान में यहाँ आते हैं और इसका शिकार करते हैं अभी भी ठीक है जबकि ये इंडेंजर लिस्ट में ये कैटेगराइज किया गया है लेकिन वहां से आते ये लोग शिकार करते हैं और इस शिकार के बारे में जो हंटिंग प्रोग्राम चलता है जो चलता है हॉन्ट चलता है इसको किसी भी न्यूज में आने की इजाजत नहीं दी गई है कि हॉन्टिंग में क्या किया गया है ठीक है दरअसल क्या, क्या, क्या है कि अपना फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखने के लिए पाकिस्तान ने उन्हें इजाजत दे रखी है ठीक है अब ये सभी बड़ा अटपटा सा लगता होगा परमिट टू हंट वेबल हाउ 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 बारा जो है आपके पास बस्टर्ड्स है इसके बारे में बात हो जा रही है ठीक तो है तो आइए देखते हैं इसके बारे में है क्या इंफॉर्मेशन ये भी समझ लेते हैं ठीक है आइए देखिए हुबार का शिकार की अनुमति देखिए पाकिस्तान ने किया क्या किया स्पेशल परमिट रिलीज किया है पाकिस्तान ने इशू किया है स्पेशल परमिट किसके लिए जो दुबई के रूलर है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतुम द क्राउन ये नाम इतना लंबा है याद रखना भी बड़ा मुश्किल सा होता है ठीक है ना इतना लंबा चौरा नाम ठीक है ना द क्राउन प्रिंस एंड फाइव अदर मेंबर्स ऑफ ऑफ देयर देयर फैमिली फैमिली फाइव मेंबर टू हंट में बर्स्टर ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द दो हजार बीस इक्कीस हंटिंग सीजन अब ये हंटिंग सीजन भी है आप जानते हैं एक तरीके से आज की तारीख में जिस तरीके से हम लोग मूव कर रहे हैं जहां हैं हम लोग वो हंटिंग जो है उसको बैन किया जाना चाहिए एवरी फ्रॉम दैट शुड बी बैन लेकिन यहां पर क्या है कि पाकिस्तान ने जो है अभी आप देखेंगे दुबई रूलर जो शेख मोहम्मद बिन रसीद अल मखतुम है और उनके फैमिली मेंबर्स को हंटिंग सीजन के लिए स्पेशल परमिट प्रोवाइड किया है ठीक है स्पेशल परमिट प्रोवाइड किया है इट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनली प्रोटेक्टेड एंड हाईली वनरेबल बर्ड जबकि आप ये जानेंगे कि ये जो बर्ड है आपके पास जो होबारा जो है आपके पास वो क्या है बस्टर्ड वो वनरेबल बर्ड्स में आता है इसके बावजूद भी इसके शिकार के लिए रॉयल फैमिली है दुबई के उन सभी को यहां पर इजाजत दिया गया जस्ट बिकॉज कि आप अपना रिलेशन मेंटेन रखें दरअसल क्या है कि ये थोड़ा सा दस को पुराना यानी कि लगभग चार दशक पुराना ये मसला है जब यहां के दुबई के जो जो रूलर होते हैं उनको यहां पर हंटिंग के लिए यहां पर आने की इजाजत दी जाती है उनको दिया जाता है ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है रिलेशन मजबूत रहे आप जानते हैं कि राजे रजवारे क्या करते थे हंटिंग क्या करते थे राजे रजवारे को हंटिंग का बड़ा शौक हुआ करता था आज की तारीख में भी दुबई के जो पिंग है जो क्राउन प्रिंस हैं और वो उनके फैमिली मेंबर्स उन सभी को पाकिस्तान में इसके लिए स्पेशल इस परमिट दिया जाता है हालांकि इसकी इजाजत नहीं है और परमिशन में भी मैं बताऊं कि इसमें बताऊंकि कहा जाता है जब स्पेशल परमिट इशू होता है तो नंबर भी फिक्स किया जाता है इससे ज्यादा आप हंटिंग नहीं करेंगे इन बर्ड्स का जो बस्टर्ड है इनका आप इतना हंटिंग नहीं करेंगे दस मात्र दिया गया वनली टेन दिया गया लेकिन लास्ट टाइम जो हुआ था इसमें दस की जगह एक न्यूज आई थी जिसमें कि पूरा का पूरा एक कुक बोलते हैं वो सारे के सारे लोग होते हैं वो सारा खाना पीना बनाना इसी हंटिंग के प्रोग्राम के दौरान ही होता है जिन सबों को न्यूज में कवर करने की इजाजत पाकिस्तान में नहीं दी गई ठीक है तो उसी के लिए स्पेशल ये जो है स्पेशल पॉमेंट देखते हैं क्या है इसमें ये secretive है, secretive है, so, भी है, भी है, और प्राइवेट आपके पास हंटिंग एक्सपेटेशन भी है. Four decades, four decades, जो चार दशक पुराना है टिकेट है एंड हैव कंटिन्यूड इवन आफ्टर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इंपोज अ ब्लैंकेट बैन ऑन दिलिंग ऑफ हाउबारा बस्टर्ड इन टू थाउजेंड फिफ्टीन दॉज लेटर रिवर्स है ना लेटर रिवर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए मना किया था कि इस टाइप का कोई भी सीक्रेटिव आपके पास क्या होना चाहिए आपका हंटिंग एक्सपेडिशन नहीं होना दैट गोज बैक बैक टू ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई इसकी हंटिंग के लिए बिल्कुल बैन लगाया गया लेकिन बाद में 2015 में बोला था लेकिन बाद में इसको फिर पलट दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजन इसको फिर पलट दिया गया था और उनको इजाजत दी गई कि हाँ आप लोग यहां पर हंटिंग कर सकते हैं यू कैन बी हंटेड राइटर राइट सर्सन मैम्स चलिए अब इस हवरा बस्टर्ड के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं कि जो हवारा बर्स्टर्ड हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखने की आवश्यकता है क्योंकि ये सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि भाई ये कहा इनका ओरिजिन है क्या इनका बायोलॉजिकल नेम है एक्सेट्रा ठीक है और ये किस टाइप के बर्ड होते हैं तो ये दरअसल क्या जो हवरा बस्टर्ड है ना ये लार्ज टेरिस्टेरियल बर्ड्स हैं ठीक है ना लाइक ऑन ऑस्ट्रिच फाउंड इन द दार्ट ऑफ एशिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका ये तीन इनके जोग्राफिकल लोकेशन है एशिया में मिडिल ईस्ट में एंड अफ्रीका में द नॉर्थ अफ्रीकन हॉबरा जिसको हम लोग हैं क्लामा डोटिस उन डू लाटा एंड द एशियन ये आर द सेपरेट यानी कि जो अफ्रीकन हॉबरा है और जो सिन होबारा है ये दोनों के दोनों अलग स्पेसीज है सेपरेट स्पेसीज हैं एशियन होबारा इज रिलेटेड टू द क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेटिव टू इंडिया ठीक है cat, India, ना और ये जो एशियन हबारा है इंडिया में जो ग्रेट इंडियन आपने देखा था क्रिटिकली जर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं उसके ही नेटिव टू इंडिया में है वो वो उसी का यह है so है सो वंशज या क्या उसी के उसी स्पीसीज से बिलोंग करता है एशियन जो इंडिया में ग्रेट इंडियन बर्स्टर्स मिलते हैं आफ्टर इन सेंट्रल एशिया ये जो बर्ड्स होते हैं ना ये क्या करते हैं ब्रीड करेंगे सेंट्रल एशिया में ड्यूरिंग द स्प्रिंग जब वसंत आ जाता है तो इनका ब्रीडिंग का समय आता है और एशियन जो हाउबारा जो बस्टर्ड्स होते हैं माइग्रेट साउथ टू स्पेंड द विंटर इन द पाकिस्तान ठीक है Pakistan, ना इसके लिए लोग पाकिस्तान की तरफ मूव कर जाएंगे विंटर में ठीक है ना ये मूव करते हैं इस तरफ आते हैं कहा पाकिस्तान में फिर ये पाकिस्तान के अलावा अरेबियन पेनसला में जाते हैं एंड नियर बाई साउथ वेस्ट एशिया में पहुंचते हैं ठीक है जब ये पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो यहीं पर इनके पास जो है सो क्या किया हंटिंग के लिए इनको आ, जो दुबई के जो क्राउन प्रिंस है या जो रॉयल फैमिली है उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको यहां पर इजाजत स्पेशल दिया जाता है सम एशियन हॉबारा बस्टर्स लिव एंड ब्रीड इन द सदर्न पार्ट ऑफ दियर रेंजेस इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ईरान

कि कलिंग, टाइप का होता है, कलिंग की जाती है तो ये जो है सो इनके ऊपर बड़ा एक्सटेंशन खतरा हो गया है इनके अस्तित्व के ऊपर में कि आज जो ये दिख रहे हैं वो शायद आपको कुछ दिनों के बाद दिखना भी बंद हो जाए यू कैनॉट फाइंड देम ठीक है क्योंकि इंडेंजर्ड है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये लोग ये बर्ड्स आते हैं

ये जो हबारा है ये आपके पास इसकी आबादी हमेशा कमती चली जा रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक और है इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ महाराष्ट्र वन हेक्टेयर ऑफ मैनग्रोव लैंड अलॉन्ग द कोकन कोस्ट डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट ठीक है ना अभी जो है सो महाराष्ट्र में क्या किया गया कि 1575 हेक्टेयर का जो मैंग्रोव लैंड है इसको रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में कन्वर्ट किया गया तो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट जो जानते हैं कि एनवायरमेंटल इशू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है

यानी कि मुंबई सबर्ब्स का मतलब मुंबई सब अर्बन इलाका यानी कि आसपास का जो रीजन है वहां पर इंक्लूडिंग उसमें भी दो सौ तिरपन हेक्टेयर जो है आउट ऑफ़ दिस ये मुंबई का भी जो आसपास का इलाका है उसको भी हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में डिक्लेयर किया गया है राइट सो सर चलिए आ जाए सर चलिए डन ओके अब आ जाइए देख लिया हम लोगों ने हिंदी में भी आपने देख लिया अब आइए स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो यूपीएससी के टॉपिक में, में आपको मतलब जो कानून बनाया गया है किसके द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा या जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा इन कानूनों के बारे में भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी है तो ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि जो सेक्शंस अभी मैं बता रहा हूं इसको याद आपको रखना है ठीक है तो इसमें क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट यानी कि महाराष्ट्र गवर्मेंट इनवोव सेक्शन फोर ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी सेवन उन्नीस सौ सत्ताइस का जो भारतीय वन एक्ट है जिसकी वजह से इंटेंडिंग टू डिक्लेयर आज डिक्लेयर एज रिजर्व फॉरस्ट तेरह ऑफ सत्तासीयर टेकिंग द स्टेट रिजर्व फॉरेस्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड हेक्टेयर ठीक है ना अब इसमें होता क्या है

और जो है सो मुंबई के आसपास के गांवों को इसमें शामिल किया गया है राइट एंड इज इट ओके सो ये आपके पास फैक्ट है इसको याद जरूर रखिएगा ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये बेहद महत्वपूर्ण है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम्स आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज इस पर ध्यान थोड़ा जरूर रखिएगा ठीक है इज इट ओके सर हाई एवरीवन कहा है सभी लोग यार क्लास को लाइक like और शेयर तो करते रहे यार आप लोग ठीक है ना चलिए आ जाइए नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं अक्रॉस द स्टेट मैनग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड ओवर तीस हजार दो सौ हेक्टेयर अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है ना जो पूरे भारत में अकॉर्डिंग अक्रॉस द स्टेट पूरे राज्य में अगर देखें तो मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है मैनग्रोव फॉरेस्ट जो महाराष्ट्र में है, वो है आपके पास तीस हजार दो सौ हेक्टेयर में है अकॉर्डिंग द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये बताता है कि महाराष्ट्र में टोटल जो है वो मैनग्रुव फॉरेस्ट कितना है वो तीस हजार दो सो हेक्टेयर में जो लोग महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन देंगे वो इस डेटा को जरूर याद रखिएगा महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन को ये डेटा ये पूछ सकता है कि महाराष्ट्र में टोटल जो है वो मैनग्रोव जो है फॉरेस्ट इलाका वो कितना है आज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तो दैट इज थर्टी थाउजेंड टू हंड्रेड मुंबई हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर इन द कंट्री एक्टिंग एज अ बायोशील्ड अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर अब ये देखिए कि मुंबई जो है मुंबई में मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है कवर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द कंट्री मैनग्रोव कवर काफी ज्यादा है

कि लैंड बेस्ड पॉल्यूशन एंड वेरी इफेक्टिव मैकेजम टू कंटेन द फूड तो अब ये देखेंगे इन्वायरमेंट में मैनग्रोव को लेकर के भी कई बार सवाल आपके मेन्स में भी और पीटी में भी पूछे जाते हैं कि जो मैनग्रोव है उसके बारे में उसकी यूटिलिटी के बारे में उसके यूजर्स के बारे में भी आपको पता रखना है ठीक है ना सो मैनग्रोव इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको आप ध्यान में रखेंगे सर मैनग्रोव क्या है एक बायोसेल्ट के रूप में काम करेगा जो आपको बचाएगा किसे जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है उससे साथ ही साथ जो लैंड बेस्ड पॉल्यूशन है उससे एंड देन ये कंटेन करेगा किसको फ्लड को भी राइट सर सर

इसके अलावा ये बर्ड्स बर्ड्स कई होते हैं डिफरेंट टाइप के उनका ये हैबिटेट होता है रेप्टाइल्स यानी यानी कि कि सरीसृप वर्ग का होता है अस्तन, जो जो ममेरिया होते हैं उनके लिए होगा इनवर्टिब्रेट का ये क्या होता है इनका लिविंग प्लेस भी होता है उनका होम भी होता है स्टे भी होता है सो दैट्स वाई दिस आर बायोलॉजिकली यानी कि इकोलॉजिकली वेरी रिच रीजन क्योंकि ये रिच नहीं है केवल केवल फ्लोरा में नहीं केवल फोना में बल्कि दोनों में काफी रिच है और साथ ही साथ जो मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं इनका बहुत ज्यादा यूटिलिटी भी है जिस टू कंटेन फ्लड फ्लड के अलावा आप देखेंगे वो ये बायोशील्ड के रूप में काम करते हैं किसके लैंड बेस्ड पॉल्यूशन के लिए कि सिंकिंग का काम करेंगे जो भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी पॉल्यूशन वगैरह था उसको सिंक करने का भी काम करते हैं इसके अलावा जो वेदर की जो वेगारेटीज है उसको भी ये मेंटेन करने का काम करेगा एक्सट्रीम वेदर रेगुलेटर भी है लैंड बेस्ड पॉपुलेशन कंट्रोलर भी है अन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू कंटेन फ्लड भी है राइट right, चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग लास्ट है इकोनॉमिक रिव्यू पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अप इन केरला दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में राइट सर्सन मैम इसको भी देख लेते हैं हम लोग हैं फटाफट ओके चलिए वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैज इंक्रीज अभी कहा गया कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है ना आर्थिक गतिविधियों में इनकी संख्या बढ़ गई है

उससे कहीं ज्यादा इस बार केरला में महिलाओं का योगदान क्या है जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में उनका रेट कहीं कहीं ज्यादा आता है इकोनॉमिक रिव्यू में ये बताया गया है एज ग्रुप ये फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है ऑल एज एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या है आपके पास दिस एक्सेप्शन इन द एज ग्रुप ऑफ फाइवेंटी इन एजुकेशन ठीक है ना अब देखेंगे क्या कि जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है लेकिन ये जो एज ग्रुप है इसमें इनका नहीं बढ़ा हुआ है क्यों क्योंकि ये जो ग्रुप है वो आप उस कहा होते हैं इन्वॉल्व होते हैं मेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अनवर्क पार्टिसिपेशन रेट दैट इज कॉल्ड डब्ल्यू पी आर इंक्रीज ठीक है ना यानी कि अगर हम लोग बात करें तो मेल फीमेल लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है और वर्क पार्टिसिपेशन रेट दोनों भी बढ़ा है द इंक्रीज इन वुमेन एल एफ पी आर एंड इज मोर एविडेंट राइट सर मैम चलिए इतनी बातें हो गई हमारे पास इकोनमिक रिव्यू में इस बात को भी एंट्रीब्यूट किया गया है कि वुमेन का जो इंक्रीज हो रहा है इन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू इंक्रीज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड कैजुअल लेबर इट इज सेड दैट इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू स्पेशल इन्फेस ऑन मनरेगा ठीक है ना ये नरेगा नहीं दैट इज मनरेगा क्योंकि आपने देखा है जो महिलाएं हैं वो है अब मनरेगा में भी इन्वॉल्व हो रही है स्टेट्स अयान आया, जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है अयान कली उसमें भी ये इन्वॉल्व हो रही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी इनको मिल रहा है प्रोमोटेड माइक्रो एंड नैनो एंटरप्राइजेस टू प्रोवाइड रेमरेटिव वर्क टू वुमेन इन द पोस्ट टू फ्लड रिकवरी फेज आप देखते हैं कि दो में जो केरला में बहुत जम करके वहां पर बाढ़ आया था उसके बाद जो रिकवरी हुई इकोनॉमी के उसमें महिलाओं का योगदान काफी ज्यादा क्योंकि देखिए जब भी विकास करना होता है तो मेल और फीमेल दोनों का दोनों का होता है कि किसी भी तरीके से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे उसे हम को प्रमोट करना है है हमें आगे बढ़ाना मूव करना है ठीक है तो जो फ्लड हिट हुआ था केरला 2018 में तो उसके बाद से महिलाओं ने क्या किया एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो जितने भी आ, जो काम है वो रिकंस्ट्रक्शन के काम है वो लग गई चाहे वो मनरेगा के माध्यम से हो या खुद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम हो उनका जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि अगर आपको आपको अपनी आर्थिक गतिविधि को अगर आपको बढ़ाना है आर्थिक अगर विकास करना है तो पुरुष और महिला दोनों को आपको क्या करना होगा आपको समान रूप से आपको भागीदारी अभी आपको निभानी पड़ेगी तो इसमें दो तीन बातें हो गई जो आपको याद रखना है इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने देखा कि ओवरऑल जो वुमेन पार्टिसिपेशन है महिलाओं की भागीदारी है जो आपका लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है अखिल भारतीय स्तर पर लेकिन पंद्रह से लेकर उनतीस साल में जो महिलाओं हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ी एक्सेप्ट एक्सेप्शन था क्यों क्योंकि उस समय जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं पढ़ाई लिखाई पे फोकस ज्यादा करती हैं क्योंकि आपको मालूम होगा

बजट्स ऑफ लास्ट थ्री इन गिवेन फोकस ऑन द लाइवलीहुड रिवाइवल रिबिल्डिंग केरला गिविंग मोर प्रायोरिटी टू वन द इकोमिक रिव्यू सेट ठीक है सत्रह में अठारह में आपने देखा फ्लड आया उन्नीस का लैंडस्लाइड हुआ दो हजार बीस में जो आपने देखा कि कोरोना की महामारी हुई तो इसकी वजह से जो केरला विधानसभा है उसने बजट जो लास्ट तीन साल का दिया है उसमें फोकस किया गया है केरल के रिवाइवल के ऊपर में और रिबिल्डिंग ऑफ केरला इसकी जो वुमेन है वो प्रायोरिटी में है

कि हमारे पास केरल में अभी भी इन सारे के सारे जो आपदाओं की वजह से रिसोर्स का कंस्टेंट है इसके बावजूद भी वुमेन को फोकस किया गया वुमेन एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया गया चाहे वो आपको कृषि आर्थिक गतिविधि हो या गैर कृषि गतिविधि हो कृषि गतिविधि हो या फिर आपका परंपरागत जो भी आपका आर्थिक गतिविधि हो या गैर परंपरागत आर्थिक गतिविधि हो इन सभी में महिलाओं को इन्फोर्स किया गया उनके एम्प्लॉयमेंट को सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है राइट सर्स एंड मैम इज इट ओके डन सो so, इसको प्लीज आप लोग ध्यान में रखने हैं ठीक है थीके? अब एक चीज और भी मैं आप लोगों को बता दू थोड़ा सा सो so, देखिए टाइमिंग का इश्यू था अपना टाइम था सुबह आठ बजे का ही बस कुछ कारण से हमने इसे शिफ्ट किया था ठीक तो है तो अभी देखते हैं कि टाइम को लेकर के थोड़ा सा जो इशू है इशू कुछ भी सच नहीं है ठीक है ना कुछ, कुछ भी नहीं है इसको देखते हैं टाइम को एक दो दिन में सेटल कर देते हैं कि परमानेंट टाइम जो है या तो आठ बजे या तो देखते हैं साढ़े बजे जैसे भी होता है उस टाइम पे इसको फिक्स करेंगे अभी कुछ दिन की बात है थोड़ी सी उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए देखते हैं क्योंकि अपनी जो क्लासेस चल रही थी उस आठ बजे ही चल रही थी एंड या तो फिर साढ़े सात बजे करेंगे या आठ बजे करेंगे इन दो में जो टाइम है कंफर्म कर दूंगा वो जिस भी टाइम होता है और इधर एक दो तीन दिन से जो क्लास डिले हुआ है उसके पीछे रहिए कल बोर्ड बहुत ज्यादा हैंग कर रहा था और दो दिन तो आप जाने की मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था अदरवाइज हम लोग अपना टाइम पर अपना काम शुरू कर रहे थे आठ बजे का आठ बजे कर रहे थे सात बजे का सात बजे कर रहे थे ठीक है तो हमने थोड़ा सा ये काम किया था अभी देखते हैं कि हो सकता है टाइम को अभी हम थोड़ा सा चेंजेस भी करें साढ़े सात या आठ इसको टाइम को फिक्स कर देंगे और आपको ये सारी बातों की जानकारी तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको दे दी जाती है तो इसके ऊपर में बहस ना करें बल्कि बहस ये होनी चाहिए कि हमें पढ़ना कैसे है कितना पढ़ना है किस अप्रोच के साथ पढ़ाई करनी है ठीक है समझ पा रहे हैं तो चलिए अभी ग्यारह बजे अपनी क्लास भी है इम्पल्स की क्लास है एनसीआरटी की क्लास यहाँ एनसीआरटी की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है ना एंड कल अपनी कई क्लासेस होने वाली है आप ये जानते हैं कि कल जो है परसों आपके पास अन का कंक्लेव का प्रोग्राम भी हो रहा है इस कंक्लेव के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि आपको जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं एक तरीका मॉक टेस्ट का ये ऑर्गेनाइज है किया गया जहां आपको गिफ्ट, गिफ्ट भी मिलते हैं और आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी मिलती है तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अपन अकेडमी ऐप को ज्वाइन कर लें यूजिंग माई कोड पवन टेन अन अकेडमी के ऐप पे जाएंगे तो उसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड मांगेगा एंड दैट कोड इज पवन ये मैं आपको आप लोगों को सभी लोगों को बता देता हूँ कि दिस इज द कोड पवन टेन अभी देखिए इसके अलावा प्लस पे क्या डेली लाइव क्लासेस होती हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा प्लस कोर्स को ज्वाइन करना है आपको ठीक है यह आपको सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स आपको दिखाई देंगे वहां पर जो पढ़ाते हुए दिखाई देंगे सारे कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे इवन प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग भी इसके पर भी इसके फोकस किया जाएगा ठीक है आपका प्लस कोर्सेस का फी है यह है पवन टेन का कोड जो आपको अप्लाई करना है देखिए दो तरीके के, के कोड है अन अकेडमी एक होता है कि जो आपका पेड सब्सक्रिप्शन है एक आपका फ्री कंटेंट वाला है तो पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको पवन टेन का कोड अप्लाई करना है और जो फ्री कंटेंट है उसके लिए भी आपको पवन टेन का ही कोड आपको अप्लाई करना है ठीक है करेंगे यू विल गेट टेन परसेंट ऑफ डिस्काउंट राइट अभी द मोस्ट कॉम्पिटेटिव जो गेमिफाइड जो है ये आपका वर्जन होने वाला है ये आपका बीस दिसंबर को ग्यारह ठीक है ना यानी कि ये होने वाला है आपका इसको आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए ठीक है ना इट्स इज नॉट अंदर नेक्स्ट ये मैं थोड़ा सा इसको ये कर दू डार्क कर दू दिस इज योर वॉट जो नेक्स्ट होने वाला है सेवेंटीन दिसंबर को ग्यारह बजे ज्वाइन करते समय होगा, 60 कॉम्बैट होंगे 13 combats होंगे, sections relative scoring, contest है है ये, code, आप यू ठीक ना ये सारी चीजें यहां मिलेंगे एंड यूजिंग द कोड आपको वहां पर जब जाएंगे इसको ज्वाइन करने के लिए जो कि आपका टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है मॉक टेस्ट है या कुछ भी नए कंटेंट्स को देखना है तो आपको कोड मांगेगा इनवाइट कोड करना है ठीक है ना तो ये कोड है आपके पास पवन टिन का इसी कोड के माध्यम से आपको ज्वाइन कीजिएगा पवन टिन का कोड आप अप्लाई करेंगे राइट एंड चलिए बाय टेक केयर एवरी वन विध लॉस ऑफ एंजॉय योर डे हैव अ ग्रेट डे अहेड ठीक है चलिए बाय बाय टेक केयर